हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये भी ऑप्टिक्स का डिफ्रेक्शन का पार्ट है। इसमें हम एमसीक्यूज करेंगे डिफ्रेक्शन के, और जो पैरेलल में सीरीज है उनको करते रहिए। डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पोस्ट करिए, और पढ़ते रहिए, शेयर करिए, इसको देख के नहीं छोड़िए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का मेरे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट, द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी ग्रेटर फॉर नैरो स्लिट, लेस फॉर नैरो स्लिट, ग्रेटर फॉर अ ब्रॉड स्लिट एंड लेस फॉर ब्रॉड स्लिट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। और इसके लिए तो जो है इजी है कि स्लिट विड्थ चेंज करने पे सेंट्रल विड्थ चेंज होती है, और सेंट्रल विड्थ किसके लिए ज़्यादा होती है? नैरो स्लिट के लिए सेंट्रल विड्थ ज़्यादा होती है। जैसे जैसे नैरो स्लिट्स को हम ब्रॉड करेंगे वैसे वैसे जो है सेंट्रल विड्थ कम होती जाएगी। तो ये ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज आर ऑब्जर्व इन डिफ्रेक्शन पैटर्न इफ द होल अपैरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेस, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीजेस एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट डिक्रीजेस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। और इजी क्वेश्चन है, तो पहले हम वेवलेंथ का इफेक्ट देखेंगे, फिर वेवलेंथ के बाद विड्थ का इफेक्ट देख लेते हैं। तो पहले वेवलेंथ के लिए देख लेते हैं कि अगर पूरा एपरेटस वाटर में इमर्स किया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू होता है। तो जब हमने पूरे एपरेटस को वाटर में इमर्स किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कम होता है, वाटर का ज़्यादा होता है, तो वेवलेंथ जो है डिक्रीज हो जाएगी। वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो यहाँ पे तो इंक्रीज वाला ऑप्शन है, ये नहीं होगा। फिर हम सेंट्रल मैक्सिमा के लिए देखेंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या फर्क पड़ेगा। सेंट्रल मैक्सिमा का जो फॉर्मूला है वो है आपका द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इक्वल टू 2y इक्वल टू 2 लैम्डा एफ अपॉन ई। और जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होगी वैसे वैसे सेंट्रल विड्थ चेंज होगी, क्योंकि हमने फोकल लेंथ और ई तो चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे वेवलेंथ कम हो रही है तो इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कम होगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शैल अ डिफ्रेक्शन पैटर्न चेंज व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, द पैटर्न विल नो लॉन्गर विल बी विजिबल, शेप ऑफ पैटर्न विल चेंज फ्रॉम हाइपरबोलिक टू साइकुलर, द कलर्ड पैटर्न विल बी ऑब्जर्व विद व्हाइट लाइट राइट एट द सेंटर, द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस विल चेंज द पोजिशन। और आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, आप करना स्टार्ट करिए। और मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन तो आप सब कर लेंगे, क्योंकि ये न्यूटन रिंग में भी मैंने इस तरीके का क्वेश्चन डिस्कस किया है कि मोनोक्रोमेटिक की जगह अगर व्हाइट लाइट यूज़ करते हैं तो देखिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यही है कि सेंटर पे ब्राइट मिलेगा और कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगे कुछ हमें। वन व्हाइट लाइट इज यूज इंस्टीड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट देन द सेंटर मैक्सिमा रिमेन्स व्हाइट एज सेवन ऑल कलर्स मीट एट द देयर सेम फेज, द फर्स्ट मिनिमा एंड सेकेंड मैक्सिमा विल बी फॉर्म्ड बाय वॉयलेट कलर ड्यू टू शॉर्टेस्ट वेव लेंथ, वाइल द लास्ट इज ड्यू टू रेड कलर एंड इट हैज लॉन्गेस्ट वेव लेंथ, द कलर पैटर्न इज ऑब्जर्व हाउ एवर आफ्टर फर्स्ट फ्यू कलर बैंड्स द क्लियरिटी ऑफ द बैंड्स इज नॉट इज लॉस्ट एंड ड्यू टू ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग की वजह से जो बाकी बैंड से वो फिर बाद में दिखने बंद हो जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साउंड वेव कैन बी डिफ्रेक्टेड, ट्रू और फॉल्स। टाइम स्टार्ट नाउ। ये तो इजी है, इसके लिए तो 10 सेकंड में मेरे यहाँ से ज़्यादा है आप लोगों के लिए, और वैसे सही बता देंगे कि साउंड वेव्स भी डिफ्रेक्ट होती हैं कि नहीं होती हैं। यस होती हैं। तो यहाँ पे कैन नॉट लिखा है इसलिए ये फॉल्स ऑप्शन है। डिफ्रेक्शन इज अ बैंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर, साउंड वेव कैन ऑल्सो भी डिफ्रैक्टेड, अदर फैक्ट वी कैन हेयर द साउंड अराउंड द कॉर्नर्स एंड अराउंड द बैरियर्स इज ड्यू टू डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड एज वेल एज रिफ्रेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न दिख रहा है आपको, द फॉलोइंग पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर विच एक्सपेरिमेंट, फॉर वी पैरट इंटरफेरोमीटर, डबल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, सिंगल फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन एंड फ्रेज़नर डिफ्रेक्शन। टाइम स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके का पैटर्न आपको किस में दिखाई देता है, कौन से एक्सपेरिमेंट में? तो सब समझ रहे होंगे, यस दिस इज अ सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन,
In single slit form of a diffraction, the intensity of fringes keep decreasing as shown in figure. The center maxima is width is twice as the fringe width. ये twice होती है. चलिए तो next question है. What will be the angular separation of first order fringe from the center maxima when the light of wavelength 500 nanometers is refracted at the slit of width 0.5 mm? Option is 2.1 minute, 3.4 minutes, 4.8 minutes and 5.6 minutes. Time starts now. तो इसको तो आपको calculate करना होगा और बताना होगा. तो यहाँ पे आपको lambda given है तो meter में convert कर लीजिएगा. Slit width e दिया है इसको भी meter में convert कर लीजिएगा और को कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन 3.4 आएगा. और करने का तरीका ये है ई या ई जो भी लिख रहे हैं ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा. ठीक है और वृत्त देखना चाह रहे हैं तो कैसे वृत्त देखेंगे ये फिगर बना लेती हूँ. तो यहाँ से वृत्त पता लगेगी तो यहाँ से आप थीटा कैलकुलेट कर लीजिए फर्स्ट मिनिमा से और फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मिनिमा की जो कंडीशन है सिंगल स्लिट में ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा होती है और यहाँ पे एन इक्वल टू वन रख लेंगे तो ये लैम्डा अपॉन ई हो जाएगा. लैम्डा और ई की वैल्यू आपको दी है इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये आपका रेडियन में आ जाएगा. रेडियन में जो आंसर आएगा उसको डिग्री में चेंज कर लीजिएगा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो आंसर आएगा उसको फिर मिनट में चेंज कर लीजिएगा तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. ठीक है तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि मेरा क्या कब आ रहा है. यहाँ पे तो ये 3.43 मिनट्स आ ही रहा है. यहाँ पे जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करने से पहले ये 0.057 के अराउंड आता है. ठीक है तो इसको करिए ये जो है डिग्री में है और ये ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. द डिफ्रेक्शन पैटर्न इज बैंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टिकल रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑसिलेशन ऑफ लाइट वेव्स इन वन डायरेक्शन नन ऑफ अबव टाइम स्टार्ट्स नाउ. ये तो बहुत सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. बेसिक डेफिनेशन है डिफ्रेक्शन की तो सबका सही होगा. ठीक है तो उसका आंसर मैं बता देती हूँ. बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल इज द करेक्ट ऑप्शन. सबने सही करा होगा ये. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है. अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 2 मीटर अवे फ्रॉम अ लेंस. लेंस से 2 मीटर डिस्टेंस पे है तो एक तरीके से ये फोकल लेंथ दिया है. ऑब्टेन अ डिफ्रेक्शन पैटर्न इन अ फोकल प्लेन ऑफ अ लेंस इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट. वॉट विल बी द स्लिट विड्थ ई पूछा है. फर्स्ट मिनिमा लाई एट द 5 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड. तो हमें यहाँ से y दिया है तो ये पूरा 2y होता है कि ये 5 mm है y जो है. सेंट्रल मैक्सिमम व्हेन द प्लेन लाइट इज वेवलेंथ दिया है लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम आर इंसिडेंट ऑन अ स्लिट. ऑप्शन है 0.16 mm, 0.26 mm, 0.36 mm और 0.46 mm. और टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. फोकल लेंथ दिया है, ई पूछा है, वाई दिया है और लैम्डा दिया है. तो आंसर है इसका 0.16 mm. और करने का तरीका ये है. द विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमम 2y इक्वल टू 2 लैम्डा एफ अपॉन ई होता है तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और E इक्वल टू लैम्डा एफ अपॉन y हो जाएगा. तो E कैलकुलेट कर लेंगे और E हमारा 0.16 mm आएगा. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है. एक्सरे क्रिस्टोग्राफी यूज विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट. पोलराइजेशन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रेक्शन एंड कोहरेंसी या कोहरेंस. टाइम स्टार्ट्स नाउ. और आपको बताना है जो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी होती है और आपने बहुत सारे नाम भी सुने होंगे करेक्टराइजेशंस के कि हम यूज़ करते हैं एक्सरे में, एक्सरे को यूज़ करते हैं तो कौन सा करेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हैं. यस सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. डिफ्रेक्शन
एक्सरे क्रिस्टोग्राफी इज यूज टू आइडेंटिफाई द मॉलिकुलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल. क्रिस्टल डिफ्रेक्ट द इंसिडेंट एक्सरे बीम बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एंगल ऑफ दीज डिफ्रेक्टेड बीम्स. द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल कैन बी एवलेटेड. और हम फिर उससे स्ट्रक्चर बता पाते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है. तो डिफ्रेक्शन यूज होता है, एक्सआरडी बोलते हैं. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय ऑब्जर्विंग डिफ्रेक्शन पैटर्न द टू इमेजेस आर सेट टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड व्हेन द सेंटर मैक्सिमा ऑफ वन इमेज कॉइंसाइड विद सेंटर मैक्सिमा ऑफ अदर. द सेंटर मैक्सिमा ऑफ वन डू नॉट कॉइंसाइड विद सेंटर मैक्सिमा ऑफ अदर. द सेंटर मैक्सिमा ऑफ इमेज कॉइंसाइड विद फर्स्ट मिनिमा ऑफ द अदर एंड द सेंटर मैक्सिमा ऑफ वन इमेज डू नॉट कॉइंसाइड विद फर्स्ट मिनिमा ऑफ अदर. टाइम स्टार्ट्स नाउ. अगर रे लाइट क्राइटेरिया आपको याद है और ये फिगर अगर याद है, ऐसे करके था रे लाइट क्राइटेरिया और बताया भी था कि क्या होना चाहिए, डिप फॉर्म होना चाहिए. डिप फॉर्म होगा तो दो स्पेक्ट्रा को हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं. तो क्या था कि एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे लाई करेगा. तो सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन इमेज कॉइंसाइड विद फर्स्ट मिनिमा ऑफ द अदर, फर्स्ट मिनिमा पे. तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, रे लाइट क्राइटेरिया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी लेंसेज आर यूज इन फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन. टू कॉन्वेक्स लेंसेज, टू कॉन्केव लेंसेज, वन कॉन्वेक्स लेंस, नन, नो लेंसेज यूज्ड. और ये भी बहुत आसान है. जब मैंने डिफ्रेक्शन पढ़ाया था तो डिफ्रेक्शन की जब क्लासिफिकेशन कराया था फ्रेजनल और फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि दोनों में क्या डिफरेंस है फ्रेजनल और फ्राउनहोफर में. तो टू लेंसेज यूज होते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में. एक फोकस बताया था, टू लेंसेज यूज होते हैं. एक तो सोर्स और डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्टिंग डिवाइस के बीच में, और एक लेंस डिफ्रेक्टिंग डिवाइस और स्क्रीन के बीच में. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट इन डबल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन इज चेंज, द चेंज विल ऑब्जर्व इन डिफ्रेक्शन पैटर्न. तो डिफ्रेक्शन पैटर्न में क्या चेंज होगा अगर हमने दो स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है डबल स्लिट में चेंज कर दिया. द फ्रिंज लेंथ विल इंक्रीज, द फ्रिंज लेंथ विल डिक्रीज, फ्रिंज विल बी कलर्ड, नो चेंज. और टाइम स्टार्ट हो चुका है. तो अगर आपको याद हो कि डिफ्रेक्शन पैटर्न के अंदर जो फ्रिंजेस हैं डिफ्रेक्शन पैटर्न की, वो दोनों स्लिट्स के बीच में ये सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करती हैं, क्योंकि डिफ्रेक्शन के अंदर जो कंडीशन आती है डिफ्रेक्शन की, वो ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा होती है, जिसके अंदर डी का कहीं पे यूज नहीं है. तो इसलिए डिफ्रेक्शन पैटर्न में डी चेंज करने से, दो स्लिट्स के बीच के सेपरेशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर यही क्वेश्चन में इंटरफ्रेंस पैटर्न पूछा होता तो इंटरफ्रेंस पैटर्न में क्योंकि मैक्सिमा की जो कंडीशन होती है वो ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा होती है, तो यहाँ पे स्लिट विड्थ और डी चेंज करने पे फर्क पड़ता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ स्लिट विड्थ चेंज करने पे फर्क पड़ता है डिफ्रेक्शन पैटर्न में, या लैम्डा चेंज करने पे. डी से कोई इफेक्ट नहीं आता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स और लिख के दिखा रही हूँ मैं आपको, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. जब मैंने डिफ्रेक्शन पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया भी था कि क्या चीज चेंज करने पे क्या फर्क पड़ता है. इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ चेंज करने से ई चेंज करने पे इंटरफ्रेंस पैटर्न और डिफ्रेक्शन पैटर्न दोनों पे फर्क पड़ता है. व्हेन स्लिट विड्थ ई इंक्रीज्ड, द एनवलप ऑफ फ्रिंज पैटर्न चेंज होता है, दैट सेंट्रल पी बिकम शार्पर. जो डिफ्रेक्शन की पीक है वो और शार्प हो जाती है. व्हाइल फ्रिंज स्पेसिंग रिमेन अनइफेक्टेड डिपेंड ऑन डी विच इज फिक्स्ड हियर. जबकि इंटरफ्रेंस वाला डी पे इफेक्ट करता है तो डी चेंज होने पे फर्क पड़ता है. देयरफॉर द नंबर ऑफ इंटरफ्रेंस मैक्सिमा फॉलिंग विद इन द सेंट्रल डिफ्रेक्शन मैक्सिमा डिक्रीजेस. इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑन इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन डी बिटवीन टू स्लिट्स कीपिंग स्लिट विड्थ ई कॉन्स्टेंट, द फ्रिंज स्पेसिंग डिक्रीजेस, द फ्रिंज कम्स क्लोजर टूगेदर,
However, the envelope pattern remain unchanged, hence more interference maxima fall within the envelope. A last effect of increasing the wavelength, when the wavelength of monochromatic light falling on a slit increases, the envelope become broader, hence fringe move farther apart. तो फर्क पड़ जाता है wavelength change करने पे. तो यहाँ पे D option correct है, no change. और ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में इन डबल स्लिट डिफ्रेक्शन फॉनहोफर डिफ्रेक्शन सम ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न आर मिसिंग एंड इट इज कॉल्ड मिसिंग स्पेक्ट्रा, एब्सेंट स्पेक्ट्रा, एंड स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा. टाइम स्टार्ट्स नाउ. जब डबल स्लिट होता है, डबल स्लिट में कुछ ऑर्डर इंटरफेरेंस के मिस हो जाते हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रा, एब्सेंट स्पेक्ट्रा. ठीक है. इन डबल स्लिट फॉनहोफर डिफ्रेक्शन देयर आर सर्टेन एंगल्स विच इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड डिफ्रेक्शन मिनिमा ओवरलैप. दीज ऑर्डर आर इंटरफेरेंस पैटर्न आर मिसिंग इन द पैटर्न एंड इट इज नोन एज एब्सेंट स्पेक्ट्रा. तो मिसिंग ऑर्डर्स होते हैं बट कॉल क्या कहलाता है? एब्सेंट स्पेक्ट्रा. तो कुछ स्टूडेंट मिसिंग स्पेक्ट्रा से कंफ्यूज हो सकते हैं, बट हम उसको क्या बोलते हैं? मिसिंग ऑर्डर हुए बट कहलाएगा एब्सेंट स्पेक्ट्रा. लास्ट में आ गए हैं आज के एमसीक्यू, हम लास्ट कर रहे हैं. पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए. डिफ्रेक्शंस में आगे अब और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, कुछ फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चंस आएंगे कि फॉर्मूला आपको पिक करना है, सही आइडेंटिफाई करना है. तो डिफ्रेक्शन पढ़ लीजिएगा, लिंक्स ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखे हैं डिफ्रेक्शन के जो लेक्चर्स हैं. और क्विज करते रहिए. तो हर वीडियो लेक्चर के एंड में लिंक आता है, आप नेक्स्ट क्विज पे जा सकते हैं. अगर इससे पहले की क्विज नहीं देखी है तो उनको भी देखिए और शेयर करिए. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.